हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ, सौरभ एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग बनाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर, खाली स्पीकर, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पावरफुल, दोस्तों एक बढ़िया सा पावर बैंक। हाँ दोस्तों, बहुत मजबूत पावर बैंक बनाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हमने देखिए, हम पावर बैंक बनाने के लिए हम इस पीवीसी पाइप का यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, इस पीवीसी पाइप को मैंने गर्म करके इस शेप में कर दिया है, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों ये देखने में भी। तो इसका यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी हैवी है, देखिए ऐसे नहीं टूटने वाला। खैर तो दोस्तों, इतना भी मजबूत नहीं है, लेकिन ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी मजबूत है, इतना भी हल्का नहीं है। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। इसके ऊपर और नीचे लगाने के लिए हमने पीवीसी पाइप की शीट बना करके, और दोस्तों हमने इसके यू लगाने के लिए दोस्तों हमने दो पीसेस कट कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपको पीवीसी पाइप की शीट बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, और एक नई वीडियो ले आऊँगा दोस्तों कि पीवीसी पाइप से शीट कैसे बनाएं। इसके लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे एक पावर बैंक मॉड्यूल। देखिए दोस्तों, ये छोटा वाला पावर बैंक मॉड्यूल है, आपको दिखाता हूँ। इसकी कनेक्शन तो एकदम हलवा है दोस्तों, देखिए इधर लिख रहा है पॉजिटिव, और ये दोस्तों हमारे देखिए नेगेटिव, बस काफ़ी सिंपल है। और दोस्तों, इसमें यूज़ करने वाले हैं दोस्तों हम दो लिथियम आयन सेल। एक सेल दोस्तों 2000 mAh का है, देखिए मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 2000 mAh का एक सेल है। तो दोस्तों, 2-4000 mAh का पावर बैंक हम बनाने वाले हैं, दो सेल हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस सेलों के कनेक्शन इस तरीके से करेंगे कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव है दोस्तों उनको एक साथ जोड़ेंगे, और जो नेगेटिव नेगेटिव है उन्हें एक साथ जोड़ देंगे। तो ये इसका पैरेलल में कनेक्शन हो जाएंगे, और फिर दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव को डायरेक्ट पावर बैंक मॉड्यूल से जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने वायर कनेक्ट कर लिए हैं, जो रेड वायर है दोस्तों, देखिए आप, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को मैंने जोड़ दिया है एक साथ, और इसी तरीके से दोस्तों नेगेटिव को नेगेटिव साथ जोड़ दिया है, और नेगेटिव के लिए ब्लू कलर का वायर किया है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये हमारे पीवीसी पाइप की जो इसकी बॉडी हमने जो बनाई थी, इसके अंदर दोस्तों अब इसको डाल देंगे। तो मैं एक बार इसे डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने दोनों सेलों को दोस्तों इस तरीके से डाल दिया है। दोस्तों, ये काफ़ी मुश्किलों से गए थे दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी टाइट है, लेकिन दोस्तों टाइट रहेगा तो ये काफ़ी मजबूत रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम इसके बैक के लिए दोस्तों जो मैंने पीवीसी पाइप का टुकड़ा काटा था, हम इसे चिपका लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम आपको पावर बैंक मॉड्यूल को, हम दोस्तों हमने जो ये पीवीसी पाइप का टुकड़ा काट करके इसके लिए जो बनाया था, इसे हम डाल करके यहाँ पर दोस्तों पहले इसे चिपका लेते हैं, फिर आगे कुछ काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे चिपका लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से चिपका दिया है, जिस इस तरीके से चिपका दिया है, देखिए इसे। और दोस्तों हमारे पावर बैंक देखिए, और दोस्तों हमने पावर बैंक मॉड्यूल को भी दोस्तों यहाँ पर सेट कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये पहले मैंने फेविक्विक से चिपकाया, ये इतना मजबूत नहीं था, तो हमने मैंने ग्लूगन और लगा दिए इस पर, अब ये काफ़ी मजबूत हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके कनेक्शन में आपको बता देता हूँ, कनेक्शन करते हैं, फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो रेड वायर ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव पर कनेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो पॉजिटिव है इस पर कनेक्ट हो जाएगा, और ब्लू कलर वाला जो नेगेटिव वायर है, ये दोस्तों हमारा, ये दोस्तों देखिए यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, देखिए ये लिख रहा माइनस, तो इस पर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इनके कनेक्शन करते हैं, फिर मैं आपको, और दोस्तों इसे इसे सेट करता हूँ यहाँ पर, देखिए दोस्तों इसे यहाँ पर सेट कर दूंगा मैं, और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे एकदम साफ करके फुल दोस्तों देखिए इसे चिपका विपका दिया है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है दोस्तों हम इसे मार्केट से परचेज करके लाए हों, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पाई दोस्तों डाटा केबल है, इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, आपके सामने सब कुछ रियल होगा। और देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश आई है आज। कि दोस्तों, मैं आपको चार्ज लगा कर दिखा देता हूँ,
देखिए दोस्तों, ये हम हमारी डाटा केबल कनेक्ट करते हैं हमारे मोबाइल से। तो देखिए दोस्तों, ये चार्ज हो रहा है दोस्तों काफ़ी। दोस्तों ये 2 एम्पियर का है दोस्तों, 1 एम्पियर में भी आता है लेकिन थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा महंगा है दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों ये काफ़ी फास्ट चार्ज कर देगा आपके मोबाइल को, और आप इससे दोस्तों मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और दोस्तों ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ चार्ज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।